जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 12 जून 2019 दिन बुधवार ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज दशमी तिथि शाम 6:27 तक रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वे आपकी पढ़ाई में सफलता, नौकरी ना मिल पाना या बार बार आपका प्रमोशन रुक जाना, या सरकारी कर्मचारियों पर बार बार ट्रांसफर हो जाता है, या आपका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया है, आप पर कर्जे का बोझ चढ़ता जा रहा है, या आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, या आपका विवाह तो हो गया है परंतु गृहस्थ जीवन में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है, या आपके बच्चों का स्वास्थ्य, या आपके प्रियजनों का स्वास्थ्य, या आपका खुद का स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ जाता है, या अपने जीवन में आप अन्य किसी भी और समस्या से परेशान हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। प्रिय भक्तगणों, आज मैं हमारे प्यारे छात्रों को एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से निश्चित तौर पर उनकी स्मरण शक्ति में सुधार होगा। जो भी वे पढ़ेंगे वे उन्हें सदैव याद रहेगा, जिससे एग्जाम के समय पर वे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नहीं भूलेंगे। ये उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है और आज इस उपाय को जानने के लिए आप लास्ट तक मेरा ये वीडियो देखते रहें। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके दोस्त आपसे मदद की अपेक्षा रखेंगे और आप भी अपने दोस्त की लाज रखते हुए उनके भरपूर सहायता करेंगे, जिससे आपके मित्रों की परेशानियां आज काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। आज आपका मिलनसार स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा और आज आप नए मित्र बनाने में भी कामयाब होंगे। आज आपका आत्मबल विषम से विषम स्थिति में भी कम नहीं होगा और आप सभी हालातों का सामना सीमित साधनों के साथ भी कर लेंगे। आज आपके भाग्य का फायदा आपके ससुराल पक्ष के लोगों को भी होगा और यदि आप अपने ससुराल के किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आज उनको धन लाभ का मौका प्राप्त हो सकता है, परंतु आज आपकी केयरलेसनेस आपकी मेहनत पे पानी फेर सकती है। इसलिए अपने सभी कार्यों को सावधानी पूर्वक करें और एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें और पूर्ण एकाग्रता और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। आज आपका अपनी लाइफ पार्टनर से झगड़ा भी हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका अपने लाइफ पार्टनर से आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता है जिससे आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। प्रिय भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है
एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, धर्म कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। ये उपाय बड़ी सरलता से आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर 11 तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ पीसकर उसका जो रस है वो प्रतिदिन ग्रहण करें, उसको एक बोतल में स्टोर कर लें और हर दिन सुबह सुबह उस रस को ग्रहण करें पानी में मिलाकर। इससे अवश्य ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और जो भी आप पढ़ाई करेंगे वे आपको सदैव याद रहेंगे। क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें